तो आज कितना पशुधन दिखाओगे? दो भैंसे एक कौन कौन से ब्यात की? तीसरे ब्यात की, एक चौथे ब्यात की। एक तीसरे ब्यात की, एक चौथे ब्यात की। तो तैयार दूध की है? बिल्कुल भाई साहब, ये आज 7-8 दिन की ब्याई हुई है। 12-14 किलो दूध तैयारी का दोनों में। ठीक है भाई साहब, कहीं भी घूम लेना, इतनी सस्ती भैंस अगर कोई दे दे तो हमें बता देना। अगर कोई जोड़े से लेता है तो 2,40,000 रुपए की, और अलग अलग लेता है तो 100 किलोमीटर तक किराया फ्री। 100 किलोमीटर तक फ्री किराया फ्री भाई। अच्छा अच्छा, दोनों में भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये देखो जी, भाई ने बहुत अच्छी पहल करी है, 100 किलोमीटर फ्री किराया किया है दोनों में। अगर जोड़े से लेता है तो 2,40,000 रुपए, यानी कि 15,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो गोल्डी भाई, कोई भी भाई है, कितने टाइम का दूध दिखा दोगे? 3 टाइम 4 टाइम जितना जी करा के लेगा। देखो अच्छा, जितने मर्जी समय का दूध देखो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने, डिस्ट्रिक्ट झज्जर का गांव है सालावा से एक वीडियो पहले भी यहां से कवर करी थी, एक बार फिर से जो एक और वीडियो है कवर करने का मौका मिलो। आज शानदार जो ताज़ा ब्याई हुई दो भैंसे हैं आपको दिखाएंगे, एक थर्ड टाइमर बफलो है तो दूसरे वाली जबरदस्त लंबाई ऊंचाई की आप देखिएगा, दूसरे वाली है ये फोर्थ लैक्टेशन में जो पशुधन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक के नीचे मेल काफ और दूसरे के नीचे भी मेल काफ आपको देखने को मिलेगा, दोनों तरोताजा जो कटड़े हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक समय का जो दूध है बफलो का जरूर दिखाएंगे, और जितना भी पशुधन है, जैसी भी जानकारी है पशुपालकों तक जरूर पहुँचाएंगे। तो जो इनके ओनर हैं गोल्डी भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीधा भाई के पास लेकर के चलेंगे बारीकी से डिटेल जानने का प्रयास। सबसे पहले भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी, कैसे हो जी? ठीक हो? तो पिछली वीडियो में एक कवर करके गया था, वो सेल आउट हो गई थी, तो वो कहाँ पे गई भाई? भाई वो झज्जर के पास में कोई दौड़गांव करके है, दौड़गांव, ठीक है, तो वहाँ पे लेकर के गए हैं। तो बीच में थोड़ा सा लंबा, मतलब लोकल में वैसे आते रहे भाई, लोकल में एक दो बीच में बेच दी, निकलते रहे पशुधन। ठीक है, तो आज कितना पशुधन दिखाओगे? दो भैंसे एक कौन कौन से ब्यात की? तीसरे ब्यात की, एक चौथे ब्यात की। एक तीसरे ब्यात की, एक चौथे ब्यात की। तो तैयार दूध की है? बिल्कुल भाई साहब, ये आज 7-8 दिन की ब्याई हुई है। 12-14 किलो दूध तैयारी का दोनों में। ठीक है, तो गोल्डी भाई इसी से शुरुआत कर लेते, क्या कुछ जानकारी है बता दीजिए। फोर्थ लैक्टेशन की है, ये चौथे ब्यात में, और आज 8वें दिन की ब्याई हुई है। हाँ हाँ, सूंड भी अभी अभी डाला है। बिल्कुल। तो इसमें आज 12-13 किलो दूध बिल्कुल तैयारी का है। ठीक है, तो पशुधन आप देखिएगा, 12-13 किलो दूध मौके पे तैयारी का बता रहे हैं। चौथे ब्यात में जो बफलो जो पशुधन है आप देख सकते हैं, लंबाई ऊंचाई पीठ बॉडी वेट आप देख सकते हैं, दार्तुआई की एक नंबर की फोलीदार जी, छोटा बच्चा बैठ के निकाल लो। तो कितने दिन की ब्याई होगी वैसे? 8 दिन की ब्याई हुई। सबसे पहले जो काफ है वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे, ये आप देखिएगा, और सूंड है बिल्कुल ताजा सूंड इसका लगा हुआ था मैं आया जब, ये सूंड आप देख लो जी, यहाँ पे अभी मेरे सामने ही गिरा है। तो ये जो मेल काफ जो कटड़ा है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। पशुधन की बात करें, लंबाई ऊंचाई आप देख सकते हो, और चेहरे मोरे की जो बनावट है वो एक समय की मिल्किंग जरूर दिखाएंगे पशुपालकों को। बिल्कुल पतली चमड़ी का पशुधन ये आप देखो, एक दूध वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो फोरहेड से लेकर के साइड की टिट स्पेसिंग वगैरह, हालांकि थोड़े से पीछे वाले मैं कहूँगा थन थोड़े से लंबे हैं, बाकी पशुधन है शराफत से भरपूर और लंबाई ऊंचाई काफी जबरदस्त। तो खाने पीने में कैसी है भाई? कुछ भी डालो, कुछ भी डाल ले। आ भाई सीताराम, और ठीक से बैठ भाई? के ठीक सा भाई, और बड़का खातिर देना देना सह के देना सा भाई, या जोटी थी खराब होगी भाई, ना तो आगे की होंगी और ना या शरीर बना दी, मन तो काट डाला तो देनी पड़ेगी। अरे काट डाला किसी तीसी करी से, एक बात बताऊ तो मैं, शक्ति मीन गोल्ड का पाउडर और ब्रीडअप की गोली, 15 दिन में वारे नारे हो जाएंगे। पशुधन स्वस्थ तो किसान समर्थ, इसलिए हेल्मिसाइड डीएस, शक्ति मीन गोल्ड पाउडर और ब्रीडअप की टेबलेट, शारीरिक विकास और हीट के लिए। क्या दे रहे हो अभी डाइट में? डाइट में भाई अभी खड़े हीट अपनी, अच्छा मेथी अपना, ये नॉर्मल भाई, नॉर्मल दे रहे हो? ठीक है, तो गोल्डी भाई कोई भी भाई है, कितने टाइम का दूध दिखा दोगे? 3 टाइम 4 टाइम जितना जी करा के लेगा। देखो अच्छा, जितने मर्जी समय का दूध देखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो बात करें इसकी कीमत, मोल भाव? कीमत भाई साहब इसके 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए जो कीमत, जो कॉस्ट है वो, और आज मौके पे 12 किलो के करीबन जो 12 किलो बिल्कुल ठंडा दूध है बता रहे हैं। तो कोई भी भाई आए, जितने मर्जी समय का दूध देख के ले जाए, मान सम्मान की कोई गुंजाइश है इसमें? मान सम्मान भाई जो खुट्टे पे आता है हाँ करेंगे, जरूर करेंगे।
ठीक है, तो दूसरे नंबर का जो पशुधन है इस पे चलते हैं, इसकी क्या कुछ जानकारी है एक बार बता दीजिएगा भाई। ये तीसरे ब्यात की है। ये तीसरे ब्यात की है, ठीक है। 8 दिन की ये ब्याई हुई है, दोनों एक दिन ब्याई हुई है। अच्छा, ये मेरे घर पे ब्याई थी। ये आपके घर पे बच्चा दिया था। घर पे बच्चा दिया था, ठीक है। कितने दिन की? ये भी 8 दिन की। 8 दिन की भाई। तो इसके नीचे भी मेल काफ है। मेल काफ है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो कटड़ा है वो आप देखिएगा, ये वाला जो मेल काफ है वो, और तरोताजा सूंड इसके नीचे भी जो तांदवा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 दिन की ब्याई हुई थर्ड टाइमर बफलो, लंबाई ऊंचाई से भरपूर, पीठ बॉडी वेट आप देखिएगा, अर्डर की जो क्वालिटी है वो। ये पूंछ पीछे से ही कटी हुई थी भाई, ये पीछे से डेयरी में कट गई। तो पशु का पैर, ये एक छोटा सा माइनस पॉइंट है, बाकी पशुधन काफी जबरदस्त और काफी बेहतरीन। ये खाने पीने में कैसी है? ये भाई साहब आप चाट डाल के अंदर जाओगे, हाथ धोओगे, इतनी देर में खोर को साफ कर दे, ठीक है। तो इसमें कितना दूध है आज मौके पे? इसमें भाई साहब 14 किलो तैयारी का है। 14 किलो दूध इसमें भी तैयारी का है। पशुधन आप देखिएगा, कॉम्पैक्ट साइज का पशुधन है, पैरों के बीच का जो ऑर्डर है वो इसमें देखने को मिलेगा। पीठ की चौड़ाई आप देख सकते हैं। बात करें फोर ऑर्डर में टिट स्पेसिंग वगैरह और जो थनों के जो कूप हैं वो आपके सामने हैं, मजबूत और डेवलप्ड जो थनों के कूप है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो 14 किलो दूध इसमें है। बिल्कुल, कोई भी भाई आए इसका भी जितने मर्जी समय का जो दूध है आप देख के ले जाओ। मैले वगैरह से भी लगेंगे अभी? दोनों से लगेंगे भाई अभी, हाँ। तो 1-2 किलो की गुंजाइश और भी है। बिल्कुल भाई, आपके हिसाब से कितना दूध दे देना चाहिए भाई? इसका बताया तो सेकंड लैक्टेशन में 18 किलो था। अच्छा, लेकिन ये 16-17 भी दे देगी तो भी बहुत ज्यादा है। 16-17 किलो दूध भी कर देगी तो बहुत ज्यादा है। 16 ना दे, 15-16 भी कर दे तो भी बहुत हो जाता है भाई, बोलने है ना, तोलने में बहुत ज्यादा अंतर, बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक बात है। तो इसका कीमत मोल भाव क्या करोगे इसके भाई? 1,30,000 रुपए। 1,30,000 रुपए मान सम्मान की इसमें कोई गुंजाइश? बिल्कुल भाई, इसमें भी है। तो ये देखो जी, 1,30,000 रुपए में थर्ड टाइमर बफलो आता है, जोड़े से लेता है तो 2,40,000 रुपए ही दोनों दे देंगे। 2,40,000 रुपए की दोनों दे देंगे। दोनों ताजा ब्याई हुई हैं, दोनों के नीचे कटड़े हैं वो देखने को मिलेंगे और दोनों तैयार दूध की। भाई ने ये भी अच्छा किया है, 1,30,000 रुपए और उसका 1,25,000 रुपए यानी 2,55,000 रुपए बनते हैं, 15,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट जोड़ा लेता है तो कोई, ठीक है। तो दूध एक वाली का दिखा देते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। कौन सी का दिखाओगे? उसका कौन सी का दिखा लो वैसे तो? अच्छा, पहले वो आगे उसका दिखा देते हैं। उसका दिखा देते हैं, फोर्थ टाइमर का है ना। तो ये देखिएगा, फोर्थ टाइमर बफलो, नीचे मेल काफ बच्चा छोड़ दिया गया है और हर बार की तरह समय रहते, प्रयास रहते, कोशिश रहती है कि एक समय का जो दूध है वो पशुपालकों को दिखाएं। तो आज शाम का जो टाइमिंग है और उसमें टाइमिंग में जो दूध है वो निकाल रहे हैं। एक बार समय आप सब पशुपालकों को दिखा देते हैं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे। ये टाइमिंग आप देखो जी, 4:43 यानी कि 5 भी नहीं बजे हैं। 5 नवंबर को जो वीडियो कवर है, शूट है, वो कर रहा हूँ। 6 बजे दूध निकालते हो? सुबह 6 बजे भाई। तो यानी कि 1.25 घंटे का टाइम अभी और भी बचता है इसमें। और जैसा भी दूध होगा, जैसी भी जानकारी होगी, पशुपालकों को ज़रूर देंगे। मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट, एक ही गुजारिश, इस मिल्किंग को बिल्कुल भी फाइनल ना माने। पशुधन को खुद आएँ, अपने हाथों से देखें, जांचें, परखें और फिर कहीं ना कहीं लेकर के जाएँ। पिछली वीडियो में भी भाई ने जो दूध है वो दिखाया था और कह रहे हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ही वो गई है, तो फाइनली सेल आउट हो गई। और उसके बाद में लोकल में काफ़ी सारे जो पशुधन हैं भाई ने सेल आउट करें, तो रेगुलर रूटीन से जो इनका काम है सेल परचेज का रहेगा। और ऐसी भैंसें, तैयार दूध की जो भैंसें हैं उनको ला कर के पशुपालकों के बीच में उतारना पसंद करते हैं। आज दो तैयार दूध की जो भैंसें हैं वो, और अच्छा खासा जो डिस्काउंट यानी कि 15,000 रुपये का डिस्काउंट मैं कहूँगा, थोड़ा नहीं होता, बहुत हो जाता है। दोनों तैयार दूध की हैं तो आप आकर के जोड़े के साथ भी ले सकते हैं या फिर जो इंडिविजुअल है वो भी ले सकते हैं। तो देखिएगा, फोर टाइमर बफलो थनों का जो पोसाव है, जो कूप हैं थनों के आप देख सकते हैं। और पहले ही मैंने आपको बताया कि पीछे वाले थन थोड़े से लंबे हैं, बाकी पशुधन आप देख सकते हो और शराफत से भरपूर जो ठंडी बफलो ठंडा जो पशुधन है वो। तो गोल्डी भाई एक बार खाली बाल्टी दिखा के आगे वाले दोनों थनों की धार मार देना, फिर पीछे वालों की। ये देखो जी खाली बाल्टी, ठीक है भाई। अगले दोनों थनों की इकट्ठी मार के दिखा दो धार, फिर पीछे वालों की। ये देखो जी सटीक जो धारे हैं वो पीछे वाले ओर। तो डेवलप्ड जो थनों के कूप हैं वो बिल्कुल फोली चुवाई महसूस हो रही है। कैसी चुवाई है? फोली है, बिल्कुल बिल्कुल फोली भाई साहब, ठीक है निकालो। तो देखिएगा फोली चुवाई का जो पशुधन है वो, और 1 हफ्ते की ब्याई हुई बता रहे हैं, 7 से 8 दिन की जो फोर्थ टाइमर बफलो है। आप सब पशुपालकों के बीच में लंबाई ऊंचाई में काफ़ी बेजोड़ और
शराफत से भरपूर दोनों के नीचे जो मेल काफ्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और समय रहते प्रयास एक समय की मिल्किंग ज़रूर कोशिश करते हैं ताकि एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दूध का, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया जो दोज पोसाव है उसका, थनों में कोई दोष धारों का कटना छटना छर्रा पपैया कोई दोष इस तरह की चीज़ें ना मिले। तो भाई का दूध निकालने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है, मुट्ठी से दूध निकाल रहे हैं आप देख सकते हो, और ये इनकी माता श्री हैं भाई। जो बदल बदल कोई बैठो कोई दिक्कत नहीं, जी जी, तो कोई भी दूध कोई भी बदल बदल के कह रहे हैं बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कोई। ये दूध आप देखो, डरना चमकना कोई काम नहीं है एक भाई, दूध तो ज़्यादा पशु की शराफत हो अगर। हाँ हाँ बिल्कुल, दूध चाहे पशु एक दो किलो कम भी दे दे लेकिन शराफत होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये देखिएगा जी, और अच्छा खासा जो पशुधन है वो अच्छी खासी जो भैंसे हैं लेकर के आते। गोल्डी भाई पिछली वीडियो में कितनी उम्र बताई थी? 21 साल भाई, 21 साल की उम्र है, और तजुर्बा भाई का देख लो, 21 साल की एज में जो तजुर्बा है वो आप सब भाइयों के बीच में, और दूध है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब इतनी मोटी दार 25 किलो दूध वाली भैंस के भी नहीं मिलेगी। हाँ 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 हाँ, ये कितना दूध दे देगी आपके हिसाब से? लगभग मैले वगैरह से लगेगी तो? मैले से लग के भाई 15 तो दे देगी, अगर 15 भी नहीं देगी तो फिर ये कह रहे भी कहेगी। अच्छा अच्छा, 15 किलो दूध इसने देना भी चाहिए। तो खेतों में भाई का घर है, और काफ़ी अच्छी जो साफ़ सफाई की अति उत्तम व्यवस्था के साथ जो पशुधन है वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी जो बफलो है वो। तो लास्ट में बच्चा भी छोड़ते हो दोबारा? बच्चा छोड़ते हैं भाई, छोड़ते हो तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगे दूध निकालने में, इससे पता चलता है बिल्कुल फुल्ली चुआई है और बिल्कुल शांत स्वभाव की बफलो है, जहाँ पे पैर रखे थे ज्यों की त्यों खड़ी हुई है, थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होने का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये देखो जी दूध है निकल चुका है, और ये बाल्टी में बच्चे के लिए छोड़ दिया भाई आधा किलो कम से कम, तो एक लगभग एक आइडिया, और अभी 1.25 घंटे का समय भी बचता है, होगा 4.5-5 किलो के करीबन दूध होगा आराम से बाल्टी में। 8 किलो ही बाल्टी है ये। हाँ हाँ, तो अभी झाग भी है ना इसमें कुछ, और कुछ बच्चे को भी पिलाओगे, 1.25 घंटे का टाइम बचता भी है ना। ठीक है, तो इसके 1,25,000 रुपए और उसके 1,30,000 रुपए भाई, तो कहीं भी घूम लेना इतनी सस्ती भैंस अगर कोई दे दे तो हमें बता देना। तो ये देखो जी अर्डर का जो झड़ाव है वो आप सब पशुपालकों के बीच में, और बच्चा है नीचे दूध पी रहा है। गोल्डी भाई बात करें मोबाइल नंबर क्या कुछ है आपके? मोबाइल नंबर भाई 98171 जी 34399 34399। हाँ भाई, और ये गांव है आपका सालावास? भाई सालावास कोसड़ी के बिल्कुल टच में गांव है, 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1.5 से 2 किलोमीटर है ना। और डिस्ट्रिक्ट आपका झज्जर? डिस्ट्रिक्ट झज्जर है भाई। ठीक है, अगर कोई जोड़े से लेता है तो 2,40,000 रुपए की, पर अलग अलग लेता है तो 100 किलोमीटर तक किराया फ्री, 100 किलोमीटर तक फ्री किराया, किराया फ्री भाई। अच्छा अच्छा, दोनों में भाई साहब बहुत बढ़िया। तो ये देखो जी भाई ने बहुत अच्छी पहल करी है, 100 किलोमीटर फ्री किराया किया है दोनों में, अगर जोड़े से लेता है तो 2,40,000 रुपए 2,40,000 रुपए यानी कि 15,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और इकट्ठी इंडिविजुअल अगर एक एक कोई कोई लेगा तो 100 किलोमीटर तक फ्री किराया है। तो मैं कहूँगा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अनूठा जो ऑफर है वो, और ऐसे ऐसे ऑफर्स और भी लेकर के आते रहेंगे, अच्छा अच्छा पशुधन दिखाते रहेंगे। तो भाई जी बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जो भैंसे हैं दोनों दिखाई हैं, जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कीजिएगा। आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट झज्जर के गांव सालावास से लेकर के आए थे, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।